नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक न्यूज बारहवीं में। तो देखिए, टाटा पावर में मंडे को क्या होने वाला है, क्या बहुत बड़ा धमाका होने वाला है? ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि मंडे को क्या हो सकता है, कैसी बड़ी हरकतें हो सकती हैं। तो क्या क्वेश्चन भी ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं स्टॉक में या शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है इसके लिए, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी वीडियोस आती हैं चैनल पे इंफोसिस के रिगार्डिंग, बाकी स्टैंड टेक्नोलॉजी, बाकी स्टॉक्स पे, तो प्लीज जाके वो भी देखिएगा। सबसे मेन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो होना चाहिए टाटा पावर के प्लान का, कि वो थर्मल पोर्टफोलियो से रिन्यूएबल में अगर 100% आज बन जाए टाटा पावर रिन्यूएबल में, तो आज इसकी वैल्यूएशन 1000 रुपये के स्टॉक जितनी हो जाएगी। बट क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो इसके रिगार्डिंग जो उनके सीईओ हैं, उन्होंने कुछ बड़े बयान दिए हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो में मैं अपना व्यूज भी आपको बताऊंगा। देखिए, उन्होंने कहा कि हमने जो 5.1 गीगावाट कैपेसिटी ऐड की है, एक्सपेंशन किया है, उसमें से 77% हमारा रिन्यूएबल है हो गया, बट 23% अभी भी थर्मल में उन्होंने बढ़ाई है, क्योंकि मुंद्रा जो पावर प्लांट है, गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको फुल कैपेसिटी पे चलाओ, बट वो कह रहे हैं हर साल वो 2 गीगावाट रिन्यूएबल कम से कम ऐड करेंगे और इस कैपेसिटी को थर्मल वाली को धीरे धीरे जीरो पे ले जाएंगे। और ये कहाँ से समझ में आता है, देखिए 13,000 करोड़ की आपको डील याद है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जो उन्होंने की थी, वो रिन्यूएबल पे है क्योंकि वो थर्मल पे नहीं है, वो सीधा आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है। बाकी 26% क्लीन एनर्जी वो दिल्ली को प्रोवाइड कर ही रहे हैं, इसे उन्हें 75% तक ले जाना है। उस दिन मैं इस कंपनी को एक्चुअली रिन्यूएबल कंपनी मांगूंगा और वो उस तरफ पे चल रही है, ये याद रखिए। तो स्टॉक 2,000-5,000 कितना भी जा सकता है, तो याद रखिए आपको इस पे नहीं जाना है कि कल मंडे को क्या होगा, ये सोचना है कि फ्यूचर स्टॉक का कैसा है। पेशेंस टेस्ट करेगा, नो डाउट आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा ये स्टॉक, ये मैंने हमेशा कहा है। इन्फोसिस भी ऐसा स्टॉक आपकी पेशेंस अभी टेस्ट करेगा, फिर फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है। तो प्लीज स्टडी कीजिए, देखिए मेरे कहने पर बाय मत कीजिए, लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो प्लीज स्टडी जरूर कीजिए एटलीस्ट।